चलो बेटा अगला प्रश्न शुरू करते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास 46, ठीक है। सिद्ध कीजिए 1 - sin θ / 1 + sin θ बराबर होगा sec θ - tan θ का होल स्क्वायर के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, LHS लेके चलेंगे, RHS को प्रूफ करेंगे, ठीक है, सिद्ध करेंगे। तो 1 - sin θ / 1 + sin θ, देखो 2020 में प्रश्न पूछा गया है, sec थीटा और tan थीटा मुझे दिख रहा है कि sec थीटा और tan थीटा में मेरा आंसर आ रहा है। तो ये साइन और कॉस, यानी साइन है और कॉस हो, तो sec में या कॉस में कब कब चेंज होंगे, जब हमारा क्या हो कि कॉस, कॉस का मतलब हमें लेके आना पड़ेगा। हम काम करते हैं एक इसमें, अंश बटा हर, अंश और हर दोनों में क्या कर दो, दोनों में cos थीटा से, किससे बेटा, cos थीटा से भाग देने पर, दोनों में क्या करो, भाग दे दो cos थीटा। देखो 1 cos θ - sin θ / cos θ / 1 cos θ - sin θ / cos θ, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, sec θ - tan θ / sec θ + tan θ, ठीक है, sec θ - tan θ + tan θ। अब देखो एक टर्म तो दिख रही है मुझे आती हुई, sec θ - tan θ आ रहा है, पर वहाँ पे होल स्क्वायर है, क्या है, होल स्क्वायर है, और यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। तो क्या करूँ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इसमें देखो sec θ - tan θ, ठीक है, upon sec θ + tan θ, ठीक है, ऊपर नीचे गुणा कर दो आप इसमें, किससे, sec θ - tan θ से ऊपर नीचे गुणा कर दो, sec θ - tan θ से। अब जब इसका ऊपर नीचे गुणा करोगे बेटा, तो देखो ये क्या हो जाएगा, sec θ - tan θ का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये होल स्क्वायर, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, sec²θ - tan²θ। देखो a + b a - b के फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, sec²θ - tan²θ। अब sec²θ - tan²θ क्या होता है, 1 होता है, ये किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 के, तो नीचे 1 का मतलब कोई खत्म हो गया नीचे, तो क्या बच गया हमारा, बच गया sec θ - tan θ का होल स्क्वायर। क्या बेटा लोग, बच्चा लोग, ये देखो आप, क्या ये RHS के बराबर नहीं है, यही तो हमारा RHS है, यही हमारा RHS है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, बताओ 2 नंबर लाइक क्वेश्चन था, फिर भी ये आपका 6 नंबर में प्रश्न आया था, 6 नंबर लाइक तो क्वेश्चन ही नहीं है जिस तरीके से हमें दे दिया ये, तो 6 नंबर आपको दे दिए थाली में सजा के ले लो 2 नंबर के रूप में, तो 2 नंबर के रूप में दे दिए आपने कोई छुप, लेकिन हमने क्या करना है, चाहे 2 नंबर में आए, चाहे 4 नंबर में आए, चाहे 6 नंबर में आए, कहीं नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, सब करके आएंगे, सब A to Z करके आएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ के आएंगे, यही हमें करना है यहाँ पे। और यही हमने करा है कि हमने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब कवर करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, ताकि आप कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ के ना आओ, हर क्वेश्चन को करके आओ, ठीक है बेटा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और प्रश्न करते हैं और देखते हैं किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन